दक्षिणी इलाके में SP साउथ रवीना त्यागी के नेतृत्व में विभिन्न चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी वाहनों को रोक रोक कर उनकी तलाशी लेने के बाद गाड़ियों के कागज भी चेक किए गए। वहीं हेलमेट न लगाने वाले लोगों को चलान का जुर्माना भी वसूल किया गया। अभियान को देखने के लिए अचानक SP साउथ रवीना त्यागी बर्रा थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक चौराहे पहुंची, जहां वाहन चेकिंग अभियान को देखने के बाद पास में मौजूद सिंडिकेट बैंक पहुंची, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं रवीना त्यागी ने बैंक के CCTV रूम में भी जाकर स्थिति को देखा, जहां बैंक में लगे कुछ कैमरे बंद भी मिले, जिन्हें देखने के बाद उन्हें तत्काल सही कराने के बैंक को दिया निर्देश। वहीं बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा के लिहाज से चौकन्ना रहने को कहा, साथ ही साथ बैंक कर्मचारियों को अपने मोबाइल नंबर पर संबंधित थाने अधिकारियों के नंबर स्पीड डायल में लगाकर रखने को कहा। उन्होंने बताया कि किसी भी घटना के दौरान इस तरह से पुलिस को समय रहते जानकारी दी जा सकती है। चेकिंग का निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया था, उसके ही क्रम में आज ये शास्त्री चौक पर स्थित सिंडिकेट बैंक में चेकिंग करी गई। आकस्मिक चेकिंग करी गई तो यहाँ पे जब कर्मियों को बताया गया अलार्म सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, तो ये चलते हुए नहीं पाएगा, इसके संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं और कंप्लायंस इनसे अपेक्षा करी गई है। दूसरा, CCTV के कुछ इसमें खामियां नज़र आई हैं, जिनके ओरिएंटेशन से संबंधित हमने इनसे निवेदन किया है और ताकि अपना सहयोग प्रदान करें। कर्मचारियों को भी आपने दिशा निर्देश दिए हैं, किस तरह के रहेंगे? इसमें हमने जो मेन निर्देश दिए हैं वो ये हैं कि स्पीड डायल पर सभी लोग अपने जितने भी संबंधित पुलिस अधिकारी हैं उनके नंबर स्पीड डायल पर रखें। इसी प्रकार से डायल 112 को अपने फास्ट डायल नंबर की लिस्ट में रखें और यहाँ पर एक बड़े बोर्ड के फॉर्म में जितने भी इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाना चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिया जा सके बैंक कर्मियों द्वारा।